एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद अयोध्या, राम की नगरी में सैकड़ों राष्ट्र रक्षक सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया। साथ ही सभी सफाई कर्मियों को अंग वस्त्र के साथ राशन सामग्रियों को भी दिया गया। इस दौरान आरएसएस के पदाधिकारी व नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने सभी सफाई कर्मियों का आरती कर पुष्प बरसाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा इस 100 सफाई कर्मचारियों का सम्मान हुआ, इनका पुष्प वर्षा हुआ, माल्यार्पण हुआ, अंग वस्त्र दे के सम्मानित किया गया और राशन का किट भी इनको दिया गया। इस लॉकडाउन में जो पूरा देश अपने घरों में है, ऐसे में अपने घर से निकलकर घर घर कूड़ा कलेक्शन कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, ऐसे जो है जो कोरोना के योद्धा हैं इनको सम्मानित करने का ये कार्यक्रम था। लगभग कितने लोग हैं इसमें और अभी और भी कर्मचारी को सम्मानित किया? अभी सबको करेंगे, अभी हमने कई संस्थाओं से बात किया है, आग्रह किया है, सभी लोग तैयार हैं, जितने भी योद्धा हैं सबको सम्मानित किया जाएगा। देखिए, चाहे इतवार हो चाहे सोमवार हो, प्रत्येक दिन हमारे सफाई कर्मचारी सड़क पर निकल रहे हैं, प्रतिदिन घरों से कूड़ा कलेक्ट कर रहे हैं। एक तरह से जो भी कुछ गंदगी शहर में निकल रही है उन्हें साफ करने का ये काम कर रहे हैं। ऐसे समय में जब हम सब लोग अपने घर पे बैठे हुए हैं अपने बचाव के लिए, ये सड़क पे निकल रहे हैं, लगातार सफाई कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, हर सार्वजनिक प्रतिष्ठान को सैनिटाइज कर रहे हैं, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है कोरोना से बचाव के लिए। तो आज इनके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसके लिए ये सब आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का और जो लॉकडाउन के नियम हैं उन सब का पालन करवाते हुए आज इन्हें सम्मानित कराया गया है।